नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए आज प्रियंका गांधी राजस्थान दौरे पर है। प्रियंका गांधी दौसा जिले की सीकराय में सभा को संबोधित कर उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों से आपको रोजगार मिल सकता था उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने उद्योगपतियों को बेच दिया। प्रदेश सरकार को महंगाई राहत कैंप लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। राजस्थान सरकार ने यहाँ के लोगों का जीवन आसान बनाया है। और इससे पहले जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो दौसा जिले के मंत्री मुरारीलाल मीणा के खिलाफ नारेबाजी हुई, इस कारण थोड़ी देर भाषण को रोकना पड़ा। दरअसल कांग्रेस 13 जिलों में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर यात्रा निकाल रही है और इसी यात्रा के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को आ रही हैं। दौसा जिला भी ईआरपीसी प्रोजेक्ट के दायरे में आता है। प्रियंका गांधी सभा के बाद मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करेंगी। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट कभी भी घोषित हो सकती है। आज शाम दूसरी लिस्ट के नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। बैठक को लेकर कल से ही प्रदेश के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। नामों पर सहमति बनाने के लिए 2 बार कोर ग्रुप की बैठक भी हो चुकी है और आज सीईसी की बैठक से पहले दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। इसमें दिल्ली में राजस्थान से जुड़े केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठकें भी होगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करीब 70 से 80 नाम हो सकते हैं और इन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। राजस्थान में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में नित नए रिकॉर्ड बना रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 10 दिन में 143 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। गत विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान 65 दिन में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी। टोंक जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अब निर्वाचन विभाग और अधिक सक्रिय हो गया है। इसके लिए कम मतदान वाले बूथों और मजदूरों पर अधिक फोकस किया जा रहा है। 50% रजिस्टर्ड मजदूर बाहर मजदूरी करने जाते हैं जो कि मतदान करने तक नहीं आते हैं। इसके चलते मतदान प्रतिशत कम रहता है। इसके अलावा खेती किसानी वाले बूथों पर भी मतदान प्रतिशत कम रहता है। वहां भी लोग जागरूकता के अभाव में वोट के महत्व को कम समझते हैं और बिना वोट दिए ही खेत खलियानों में चले जाते हैं। देश दुनिया में मशहूर जोधपुर का 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव इस बार आचार संहिता के कारण एक ही दिन का होगा। यह आयोजन 27 अक्टूबर को होगा। मारवाड़ उत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर सरिता फिडोदा ने मारवाड़ उत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि उत्सव की शुरुआत 27 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम से होगी। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में प्रातः 8 बजे सीमा सुरक्षा बल द्वारा कैमल 2 शो व सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में पारा गिरने से सर्दी का असर बढ़ रहा है। कई शहरों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीती रात पिलानी में तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और इसके कारण यहां सबसे ज्यादा सर्दी रही। सीकर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ में भी तापमान में 16 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज हुए। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में एक हल्का प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वर्ष 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा को लगेगा। यह भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि 28 अक्टूबर की आधी रात को चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करेगा और ग्रहण की अवधि 29 अक्टूबर के शुरुआती घंटे होगी। ग्रहण मध्य रात्रि के आसपास भारत के सभी भागों में दिखाई देगा
और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा, यानी यह 1:19 का होगा। अक्टूबर को शाम में 4:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा और इस ग्रहण में चंद्र बिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। राजस्थान के जिला जयपुर के फुलेरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन कई जगह बाहरी लोगों को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने की आशंका के चलते लोगों ने उनका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। फुलेरा विधानसभा सीट पर बाहरी को टिकट दिए जाने के खिलाफ फुलेरा से बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाहरी भगाओ फुलेरा बचाओ के नारे भी लगाए। फुलेरा से आए लोगों ने डोटासरा के आवास पर पार्टी के सीनियर नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के नेताओं ने टिकट का सौदा कर लिया है। इस दौरान लोगों ने गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर जयपुर कलेक्टर की ओर से 5 आदतन अपराधियों को 1 साल के लिए पाबंद किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राज पुरोहित ने राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत 5 आदतन अपराधियों को आगामी 1 साल के लिए निरुद्ध करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने बताया कि आदतन अपराधी जिनके द्वारा जघन्य अपराध किया जाता है एवं जिससे समाज में भय व्याप्त हो तथा आमजन की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, अतः लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभ्यासिक अपराधियों को निरुद्ध किया गया है। एडीजी कोर्ट क्रम 3 ने सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा के अधिशासी अभियंता कार्यालय नगर खंड की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया है। वारंट को तामील कराने के लिए स्पेशल सेल अमीन आज पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंचे। अधिशासी अभियंता डीपी अग्रवाल ऑफिस में नहीं मिले, जिसके बाद सेल अमीन ने ऑफिस के ताला लगाकर बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। मामले की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की गई और सुबह 11:30 से 1 बजे तक करीब 1.5 घंटे ऑफिस सीज रहा और बाद में अधिकारियों ने कोर्ट में जाकर गुहार लगाई और मोहलत मांगी। राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपने मतदाताओं को रिझाने के प्रयास में जुट गई हैं। प्रदेश के निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता है और वहीं 4 अन्य सीटों पर भी दोनों के बीच अंतर काफी कम है। राजस्थान में कुल 5.26 करोड़ मतदाता है और इनमें 2.51 करोड़ महिलाएं और 2.73 करोड़ से भी अधिक पुरुष शामिल हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। मतदान दलों पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों के 800 से अधिक अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए एडीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना करेंगे, जिन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जेल जाने के बाद आधे से ज्यादा लोग सुधर जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो हर साल कई बार जेल जाते हैं, फिर से जमानत पर बाहर भी आते हैं और फिर से अपराध करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का एक चोर पकड़ा है कोटा पुलिस ने। वह कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। जेल से छूटने के साथ ही उसने फिर से बाइक चुराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने 28 बाइक चुरा ली। कुछ को 5,000 में बेचा तो कुछ को 20,000 में सेल कर दिया और कुछ नहीं बिकी तो उनके पार्ट्स को बेच दिया। लेकिन जरा सी गलती से वह पकड़ा गया और अब फिर से जेल भेज दिया गया है। यह मामला कोटा शहर के दादाबाड़ी इलाके का है। चूरू के निकटवर्ती रामसरा गांव में एक पीपल के पेड़ पर बना मधुमक्खियों का छत्ता ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। मधुमक्खियों से कोई बड़ी जान हानि नहीं हो, इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है।
एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को बताया कि शहर के निकट गांधी गांव रामसरा के वार्ड 1 व 4 के मध्य सार्वजनिक कुएं के सामने आम मार्ग पर लगे पीपड़ के पेड़ पर 2 से 3 फीट का बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छाता है। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2023 इस बार महज 7 दिन का होगा। पूर्व में यह कार्तिक शुक्ल एकम 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलना था, लेकिन अब यह कार्तिक शुक्ल एकम से शुरू होकर अष्टमी 20 नवंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि पुष्कर पशु मेले के इतिहास में यह पहली बार है कि जब पशु मेला महज 7 दिन का होगा। हालांकि धार्मिक मेला कार्तिक शुक्ल की एकादशी 23 नवंबर से पूर्णिमा 27 नवंबर तक ही भरेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।